रात को आए थे ना भैया, गिरना देखो गिरो, ये बीच वाला पोल है क्या? टोटल 9 है या 10 है? इधर 5, 2, 7, 8 है। देखा पीछे क्या बोलिए, ब्रिज परमिशन से उतार रहा हूँ। दार्जिलिंग सिलीगुड़ी की जनता के समक्ष रखना चाहूंगा। पहली बात तो हिंदुस्तान ने जो असंभव था उसको संभव करके दिखाया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो ड्राइव का जो टारगेट था उसको हिंदुस्तान ने पूरा करके दिखाया है। इसको लेकर के बहुत सारी राजनीति हुई, बहुत सारे नेता ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत ऐसा कर सकता है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसने यह असंभव काम को संभव करके दिखाया है। इसके लिए जितने भी हेल्थ वर्कर है, कोविड वॉरियर है, यहाँ तक कि ये लड़ाई मैं ये कहना चाहूँगा स्टेट और केंद्र सब लोग मिल करके लड़े हैं, उस वजह से ये काम संभव हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी से लेकर के, मुख्यमंत्री जी से लेकर के, जितने भी लोग हमारे जो सोशल वर्कर से लेकर के हेल्थ, और जो लोग घायल हुए हैं, मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों। और आपके माध्यम से ये मैं बताता, अनुमानित था कि भारी वर्षा और इस तरह की जो है लैंडस्लाइड होगी, उसके बावजूद भी जो उचित कदम उठाने थे उस तरह से पर्याप्त मात्रा में नहीं उठाए गए, उसकी वजह से इतनी बड़ी आपदा और त्रासदी हम सबको झेलनी पड़ी है। और इस तरह की जो आपदा होती है, हमें पता है कि नॉर्थ बंगाल और इस पहाड़ी क्षेत्र में खास करके ज्यादा होती है, हमको और ज्यादा तैयारी और सख्त रहने की आवश्यकता है, उसके बावजूद भी साफ साफ लापरवाही दिखती है। और खास करके ये जो टीएमसी की सरकार है, कोई भी विषय नॉर्थ बंगाल से रिलेटेड होता है
उसमें सिर्फ लापरवाही दिखती है। अम्फान तूफान आता है या कोई भी छोटी सी छोटी घटना साउथ बंगाल में होती है, वो एक नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है, लेकिन जब नॉर्थ बंगाल की आती है, पता नहीं नॉर्थ बंगाल की हम सब जनताओं ने क्या गुनाह किया है कि ममता दीदी हमसे इतनी नाराज़ है कि हमको एक भेदभाव की नज़र से ही हमेशा दिखती है। तीसरा विषय जो आपने रखा, बालासन ब्रिज, जहाँ पर मैं अभी इस समय आपके सामने खड़ा हूँ, ये बड़ी दुखद घटना है। ये जो रोड है, ये रोड अभी NHAI ने PWD को स्टेट को दिया हुआ है मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए। 1964 का बना हुआ ब्रिज न कभी मेंटेनेंस पे जाता है, न कभी रिपेयर होता है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का तो मुझे लगता नहीं यहाँ हमारे इंजीनियर को पता भी होगा ऐसा भी कुछ होता है। इस वजह से ये घटना घटी है, बहुत दुखद है। माध्यम से सिलीगुड़ी के जनता को ये बता देना चाहता हूँ, जो हुआ सो हुआ, मुझे लगता है ये भी अच्छे के लिए हुआ। अभी तो एक बार टेम्परेरी, क्योंकि यहाँ पे जो पोल है 10-10 मीटर के गैप में पोल है, बीच का एक पोल गिरा है, इस वजह से पूरा 20 मीटर का जो है जो एरिया है उसके ऊपर में एक बेली ब्रिज बनेगा। बेसिकली ये प्री फेब्रिकेटेड जो है लोहे का एक जो स्ट्रक्चर बनेगा और वो पुल के नीचे लगाया जाएगा, जिसके कारण सारा वजन उस पर आएगा, और जो अभी 260 मिलीमीटर नीचे धसा हुआ है जो एक पोल ब्रिज का, उस पर लोड लगा करके वो पहली ब्रिज के ऊपर में पूरा जो है भार आ जाएगा। और मुझे लगता है ये अगले 25 दिन में तैयार हो जाएगा और 25 दिन बाद जो है सुचारू रूप से यहाँ पे गाड़ियाँ चलना शुरू होगी। कल ही मेरी NHAI के लोगों से भी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे उनसे भी बात हुई थी, वो स्वयं भी आए थे, उन्होंने भी देखा है, PWD के साथ इंजीनियर मिल करके एक ये टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है जो 25 दिन में तैयार हो जाएगा और सुचारू रूप से एक बार ट्रैफिक चालू हो जाएगा। क्योंकि पुराना ब्रिज है, इसमें कुछ भी हम जैक लगा करके एडिशनल कुछ भी नहीं कर सकते, वो टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण वो नहीं है, लेकिन एक बार बेली ब्रिज बनने के कारण ये एक बार काम शुरू हो जाएगा। दूसरी अच्छी बात ये है कि बालासन नदी से लेकर के सेबक तक 12.4 किलोमीटर का फुल्ली एलिवेटेड रोड बनना है, 4 लेन का। ज़्यादातर एलिवेटेड रहेगा, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं डाउन होगा, मैक्सिमम जो है एलिवेटेड रहेगा। और ये पूरी जो 4 लेन की सड़क बनेगी, 1,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा इसके ऊपर में आएगा और पूरा केंद्र सरकार ये खर्चा उठा रही है। और ये जो ब्रिज है बालासन ब्रिज, इसका भी एक अल्टरनेटिव ब्रिज बनेगा इसके बगल में, वो 3 लेन का ब्रिज होगा। और आगे जाकर के ये 12.5 किलोमीटर में जो महानंद नदी पड़ती है उसका भी एक अल्टरनेटिव ब्रिज बनेगा, वो भी 3 लेन का होगा। तो जब ये बालासन का अल्टरनेटिव 3 बनेगा, बाद में ये भी तोड़ करके इसको भी 3 लेन की और जो है पुल बनेगा, यानी 2 ब्रिज बनेंगे 3-3 लेन के, यानी 6 लेन की 2 ब्रिज हो जाएगी, और पूरा रोड जो है 4 लेन का होगा। 50 साल बाद कभी जा करके 4 लेन को 6 लेन में कन्वर्ट करना पड़ा तो ब्रिज यूं का यूं काम में आ जाएगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर ने ये डिसाइड किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है सिलीगुड़ी चालू होगा तो NH10 की पूरी तरह मरम्मत के पास भेज दिया जाएगा। तो मैंने बताया था सिलीगुड़ी के चारों तरफ एक रिंग रोड का बनना आवश्यक है, आने वाले फ्यूचर के सिलीगुड़ी को देखते हुए उसका भी जो है DPR जल्द से जल्द तैयार होगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, करोड़ से सिलीगुड़ी कलकत्ता के बीच में जो हाईवे बनेगा उसके अलावा बता रहा हूँ, सो काफ़ी मात्रा में जो है सड़कों का काम जो है पूरी से पूरी जाल बिछाने का काम जो है केंद्र सरकार की तरफ से होगा। और मुझे लगता है ये जो भी हुआ इसके कारण जो है ध्यान सबका आकर्षित हुआ है और इसका काम जल्द चालू होगा, इतना आश्वासन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। ये जो ब्रिज के नीचे से अवैध रूप से बाली पत्थर कलेक्शन करने का कारण ये ब्रिज टूटा, ऐसे ही आरोप है? ये बिल्कुल सही है, और यहाँ जितने भी जो है ये जो समस्याएं आती है लैंडस्लाइड की, ब्रिज टूटने की, क्योंकि ये पहला ब्रिज नहीं है जो बंगाल में टूटा है, इससे पहले भी बहुत ब्रिज टूटे हैं। उसका कारण एक ही है कि
कि इस तरह से जो है यहाँ पे जो है बालू की स्मगलिंग होती है, ये स्मगलिंग को जो है टीएमसी को बढ़ावा देती है, और ये स्मगलिंग रुक जाए तो इस तरह की घटना भी रुक सकती है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ये स्मगलिंग जो है रुक जाएगी, वैसे ही जो है नेताओं के जेब खाली हो जाएंगे, इसलिए नेताएं डरते हैं। और पूरे जितने भी मंत्री से लेकर के संतरी तक जो है पश्चिम बंगाल सरकार के लोग इसमें मिले हुए हैं। सिर्फ ये नदी नहीं, जितनी भी नदियां हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें ये भू माफिया और जिस तरह से ये जो स्मगलिंग चलती है, ये बहुत बड़ा कारण है। सर, ये 25 दिन में आपने कहा कि ये बालासन पे लोहा का स्ट्रक्चर लगना शुरू हो जाएगा, 25 दिन में चालू हो जाएगा ये ब्रिज, तो ये काम ऐसा है, मुझे लगता है 2-4 दिन के अंदर में स्ट्रक्चर तैयार, उसका डिजाइन तैयार हो जाएगा, उसके बाद तो फैब्रिकेशन का काम चलेगा। आप ये मान के चलिए आज हो गया तारीख 23, यानी आज से 25 दिन बाद ये ट्रैफिक शुरू हो जाएगी। जिस नदी पे हम लोग खड़े हैं, जिस ब्रिज के ऊपर में, यहाँ पे बीच में एक पोल जो है वो 260 मिलीमीटर नीचे धस गया है, उसके कारण जो है अभी ट्रैफिक रुकी हुई है, क्योंकि जो है बड़ी एक घटना घट सकती है। वही देखने के लिए मैं आया था, और मैं आपके माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से यही जनता को बता रहा था कि 25 दिन में एक अल्टरनेटिव जो है इसका स्ट्रक्चर तैयार हो करके ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि बालासन नदी से लेकर के सेवक तक 4 लेन का एलिवेटेड रोड बनेगा, और उस समय बालासन में भी एक अल्टरनेटिव 3 लेन का ब्रिज बनेगा, और बाद में पुराने ब्रिज को भी तोड़ करके नया जो है 3 लेन का बनेगा। यानी बालासन नदी के ऊपर में 2 ब्रिज बनेंगे, 3-3 लेन के यानी 6 लेन के, और उसके बीच में से 4 लेन की सड़क जो है सेवक तक जाएगी। मुझे लगता है ये सिलीगुड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। और अभी जो